आपके वाइफ का सुनाई दे रहा हूँ। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं दीपक गुप्ता हूँ और मैं लुधियाना से ही हूँ। फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिला है मुझे लाइफ में, काफ़ी एजुकेशन के टाइम पे भी और अदरवाइज एक दो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहती हैं। तो मेरा एक पर्सनल मानना है कि जब भी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हम जाते हैं तो वहाँ उस समय उस टाइम पे बहुत अच्छा वो फील होता है कि हाँ आज तो लाइफ चेंज हो गई, बट 15-20 दिन के बाद वो भूल जाती है सारी चीज़ें और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना हम बंद कर देते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो अटेंड की है मैंने, 30 ईयर्स की मेरी एज है, पिछले 15 साल से तो एटलीस्ट मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए ही हैं, स्कूल टाइम से शुरू कर दिए थे, फिर वो शौक भी बहुत है। लेकिन आज ये पहली और एकमात्र ट्रेनिंग है जिसमें एक ये टेक्निक हमें देके भेज रहे हैं, जाते जाते एक हमें एक हाथ में इन्होंने किट पकड़ा दिया है कि ये टूल्स आप यूज करते रहना तो आप भूलोगे इन चीज़ों को। वो किसी ने नहीं दिया था, नॉलेज हमें सबने दी थी और वो समझ में भी आई थी, उस समय यूज भी हो रही थी और रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। 15 दिन बाद भूल गए हम उसको, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी स्कीम हमें साथ में देके नहीं भेजी थी कि इसको याद भी रखना। इन्होंने वो टूल्स हमें साथ में दिए हैं, वो दो टूल्स हैं, एक तो EFT एक्सरसाइज, तो बिकॉज मिस्टर शर्मा ने बताया था हमें कि दिस इज अ फिजिकल एक्टिविटी सो देयर इज नथिंग टू रिमेंबर, अगर मुझे इसके पीछे के लॉजिक्स भूल भी जाएंगे तो प्लीज मैं ये करता रहूँगा, मेरी बॉडी का जो सिस्टम है फिजिकल इंटेलिजेंस तो वर्क करेगी इसके पीछे। सो दिस ट्रेनिंग वुड बी रियली वेरी इफेक्टिव, दैट इज व्हाट आई बिलीव। और सेकेंडली इस ट्रेनिंग में मैं आया था, मेरे को EFT एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर टू वर्ड्स व्हिच आई हैड नेवर एवर हर्ड इन माय लाइफ। आपको हैरानी होगी कि ये कह रहा है कि मैंने इतनी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, बट पता नहीं बाय चांस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने वर्ड ही नहीं सुना था कभी सर। मैंने सीक्रेट बुक भी कभी नहीं पढ़ी, मेरी वाइफ ने पढ़ी और मेरे मदर अभी पढ़ रहे हैं इन दिनों, शी इज हाफ द वे ऑन द बुक। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक अच्छी बुक है, बट उसके अंदर क्या है मुझे इन्होंने अभी तक नहीं बताया था। So I just came with her. I personally never came to this training. I just accompanied her in this training. तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लगी है, लेकिन जब मैं आया था तो मैं इस उम्मीद के साथ आया था कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है शायद इस ट्रेनिंग में सॉल्व होंगी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग में मुझे ये तो सिखाया है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इस ट्रेनिंग में मुझे ये सिखाया कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो नाउ आई एम बिलीविंग कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कल से ग्रोथ करूंगा, मैं यहाँ से ये सोच के जा रहा हूँ कि यार प्रॉब्लम तो है कोई नहीं। So my life is already good. So I'm trying to apply the law of attraction right now, right here, that life is already good. Right. So I don't say कि मैं कल से कुछ ऐसा करूँगा, और मुझे नहीं लगता कि result तो आ ही गया जब मुझे realization ही हो गई है कि मेरी life अच्छी है। So my life is already good. So there is no expectation of result now because result I have already achieved. This is what I think. And I want that result should be maintained. Yes, maintained रहे, बस मैं